Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Khanum Food। आज हम बनाएंगे अरेबिक डेजर्ट कनाफे। ये वर्ल्ड फेमस बहुत ही यूनिक डेजर्ट है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। तो चलें जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी और 1/2 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून लेमन एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। एक बॉयल आ चुका है और चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। कनाफे क्रीम बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप मिल्क और 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं करना। टू टेबलस्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है ताकि लम्स ना बने और उसके बाद अब हम फ्लेम ऑन करेंगे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद। कंटिन्यूसली स्पैचुला चलाते हुए हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें इसका टेक्सचर थिक हो चुका है। बस ऐसा ही थिक और क्रीमी टेक्सचर हमें चाहिए। हाफ कप हम इसमें हैवी क्रीम ऐड करेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, हैवी क्रीम है। मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। मैं चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आप मोज़रेला लाइक करते हैं तो आप इसमें मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप चीज़ है और ग्राम के हिसाब से 80 ग्राम। ये देखें कितना क्रीमी और स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो गया है। बस इसके लिए हमें ऐसा ही थिक टेक्सचर चाहिए। ये देखें स्पैचुला से रुक रुक कर गिर रहा है। बस इसका मतलब है ये रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे भी हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। हाँ जी, तो कनाफे क्रीम भी रेडी है और सिरप भी। और अब हमें चाहिए कनाफे डो 200 ग्राम। और अब इसमें कनाफे डो के लिए फैन ही यूज़ कर रही हूँ। आप वार्मेसली या फिर कनाफे डो भी साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। और अब हम करेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग हम हल्के हाथों से करेंगे और इस तरीके से सेपरेट करते जाएंगे और इसमें बटर मिक्स करते जाएंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है, हमने इसका चूरा नहीं बनाना, हमने इसको सिर्फ सेपरेट करना है इस तरीके से। मिक्सिंग करते वक्त थोड़ी बहुत तो टूट जाएंगी, पर आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा चूरा ना हो, वरना फिर थोड़ी मुश्किल होगी जब हम इसे पैन में डालेंगे। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है। बस इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और बस ये रेडी है। अब हम पैन में इसकी असेंबलिंग करके इसको पैन में ही कुक करेंगे। पहले हम पैन को बटर से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। फैनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधी फैनी हम नीचे की लेयर में यूज़ करेंगे और बाकी की हम ऊपर की लेयर में यूज़ करेंगे। इस तरीके से पैन पर सेट करेंगे स्पैचुला की मदद से, हल्के हल्के से प्रेस करके। अब हम इस पर क्रीमी फिलिंग रखेंगे और इसको भी हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से।
अब हम इस तरह से दूसरी लेयर लगाएंगे। और अब हम इस स्पैचुला से इस तरीके से सेट करेंगे। अब हम लो फ्लेम पर इसे रखेंगे 7 मिनट के लिए। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस तरीके से प्लेट रखकर इसको फ्लिप करेंगे इस तरह से। अब हम पैन को दोबारा से बटर से ग्रीस करेंगे। और इस तरीके से दोबारा से हम डो को रखेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको लो फ्लेम पर 7 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम इस पर शुगर सिरप ऐड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर हम इस पर ऐड करेंगे, सब एक साथ नहीं डालना। शुगर सिरप हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो इसके अंदर की क्रीमी फिलिंग है वो डो में एब्जॉर्ब ना हो जाए, इसीलिए हम इसमें शुगर सिरप ऐड करते हैं। शुगर सिरप ऐड करने के बाद हम इसी तरीके से इसको डिश आउट करेंगे। अगेन इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट रखेंगे और इसे फ्लिप कर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कटिंग पिस्ता से हम इसको गार्निश करेंगे। मुझे ये कनाफे फ्रिज टेम्परेचर का मज़ेदार लगता है। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर सर्व करें या फ्रिज में रख कर सर्व करें। और ये है जी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।